गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बीसीए थर्ड सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट जो कि है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस। डेटा स्ट्रक्चर में टोटल 6 यूनिट हैं, उन 6 यूनिट को हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम और प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पहले ही सेंड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले कंप्लीट करेंगे डेटा स्ट्रक्चर के यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एरे, एरे के टाइप्स 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे, स्पार्स मैट्रिक, ट्रायंगुलर मैट्रिक, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। जब आप BCA फर्स्ट सेम में थे तो आपने पढ़ा होगा सिर्फ एरे की डेफिनेशन, और एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन सिर्फ यही आता था कि एरे की डेफिनेशन बता दो। जब आप सेकंड सेमेस्टर में थे तो एरे की डेफिनेशन साथ साथ में उसके जो टाइप्स हैं उसके भी नाम। लेकिन BCA थर्ड सेमेस्टर में ऐसा है, एरे भी आ सकता है और एरे के जो टाइप हैं उसकी भी डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। तो डेटा स्ट्रक्चर की यूनिट फर्स्ट का सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ एरे। एरे आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स दैट स्टोर एट कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन। एरे इज़ द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर वेयर ईच डेटा एलिमेंट कैन बी रैंडमली एक्सेस बाय यूजिंग इट्स इंडेक्स नंबर। जब सेम टाइप के बहुत सारे डेटा कलेक्ट हो जाते हैं तब बनता है एरे। एरे एक डिराइव्ड डेटा टाइप है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प से बना हुआ है। एरे एक वेरिएबल है जो कि सेम डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करता है और उनको कॉन्टिगस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देता है। एरे अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को कंटेन नहीं करता है, जिनकी वैल्यू सेम होगी उन्हीं को वो स्टोर करेगा, अलग अलग डेटा टाइप की वैल्यू को एरे बिल्कुल भी कंटेन नहीं करेगा। एरे आर द डिराइव्ड डेटा टाइप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन स्टोर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा सच एज इंट, चार, डबल, फ्लोट एट्सेट्रा। एरे एक डिराइव्ड डेटा टाइप है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो स्टोर करता है प्रिमिटिव टाइप के डेटा जैसे कि इंट, चार, फ्लोट, डबल। एडवांटेजेस ऑफ एरे। द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ एरे इज एनी एलिमेंट इन द एरे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय यूजिंग द इंडेक्स। एरे में कोई भी एलिमेंट हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं इंडेक्स को यूज करके। एरे प्रोवाइड द सिंगल नेम फॉर द ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप, देयरफॉर इट इज इजी टू रिमेंबर द नेम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे। ईच एलिमेंट इज ऑफ सेम डेटा टाइप एंड कैरी अ सेम साइज। एरे में हर एक एलिमेंट सेम डेटा टाइप का होता है और वो सेम साइज कैरी करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एरे। एरे के टाइप्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरे। द फर्स्ट टाइप इज 1D एरे, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं सिंगल एरे या फिर 1D एरे। सेकंड है 2D एरे, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं 2D एरे। लास्ट है Multi-Dimensional एरे, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं 3D एरे। व्हाट इज 1D एरे? 1D एरे इज ऑल्सो नोन एज 1D एरे। 1D एरे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एन एरे। जो 1D एरे है उसको हम 1D एरे भी बोलते हैं। 1D एरे जो है वो एरे की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। 1D एरे इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सेम डेटा टाइप विच आर स्टोर्ड इन अ लीनियर अरेंजमेंट
अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। जो वन डायमेंशनल एरे है वो ग्रुप है एलिमेंट्स का जो कंटेन करता है सेम डेटा टाइप। दे आर वेरी इजी टू डिफाइन एंड यूज इन दी प्रोग्राम्स। जो वन डायमेंशनल एरे हैं उनको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं और प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। द वैल्यू स्टोर्ड इन वन डायमेंशनल एरे कैन बी ईजिली मैनिपुलेटेड। जो वैल्यूज़ वन डायमेंशनल एरे में स्टोर होती हैं हम उनको ईजिली आसानी से मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉट इज टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे इज़ ऑल्सो नोन एज 2D एरे। जो टू डायमेंशनल एरे है उसको हम 2D एरे भी बोलते हैं। एन एरे ऑफ एरे और अ 2D एरे इज़ ऑर्गेनाइज्ड एज मैट्रिक। जो टू डायमेंशनल एरे है वो मैट्रिक्स की तरह ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। जो टू डायमेंशनल एरे है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ रो और कॉलम्स के रूप में। 2D एरे इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे वेयर द डेटा वैल्यू आर स्टोर इन मल्टीपल रो एंड कॉलम्स। 2D एरे इज़ अ मैट्रिक स्ट्रक्चर। जो टू डायमेंशनल एरे है वो मल्टी डायमेंशनल एरे की एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जहाँ पर जो डेटा वैल्यू स्टोर होती है वो मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स में स्टोर की जाती हैं। जो टू डायमेंशनल एरे है वो एक मैट्रिक स्ट्रक्चर है। 2D एरे इज अ मैट्रिक स्ट्रक्चर। वॉट इज मल्टी डायमेंशनल एरे। अ मल्टी डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो नोन एज 3D एरे। 3D एरे कैन बी टर्म्ड एज एन एरे ऑफ एरे डैट स्टोर होमोजीनियस डेटा इन टेबुलर फॉर्म। जो मल्टी डायमेंशनल एरे है उसको हम 3D एरे भी बोलते हैं। 3D एरे को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक एरे है एरेज का जो स्टोर करता है होमोजीनियस डेटा टेबुलर फॉर्म में। डेटा इन 3D एरे इज स्टोर इन रो मेजर ऑर्डर। जो भी डेटा मल्टी डायमेंशन एरे में स्टोर होता है वो रो मेजर ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है वॉट इज स्पार्स मैट्रिक। यहाँ पे स्पार्स मैट्रिक की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो चुकी है यहाँ पर, तो उसको आप इग्नोर कर देना प्लीज़। A sparse matrix is a matrix in which many and most of the elements have a value of 0. एक sparse matrix एक matrix है जिसमें ज़्यादातर जो element होते हैं उनकी value 0 होती है। Sparse matrix are those matrix that have the majority of their element equal to 0. In other words, the sparse matrix can be defined as the matrix that has a greater number of zero elements. एक सिंपल सी हिंदी डेफिनेशन में आप स्पार्स मैट्रिक को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैट्रिक में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट ज़ीरो होते हैं तो उसको बोलते हैं स्पार्स मैट्रिक। स्पार्स का जो मीनिंग होता है वो होता है कम, यानी कोई हमारी मैट्रिक है और उसमें ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं अगर वे ज़ीरो हैं तो वो हमारी स्पार्स मैट्रिक होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको देखो, ये एक मैट्रिक है जिसमें कि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वे ज़ीरो हैं, तो ये हमारी स्पार्स मैट्रिक है। यहाँ पर जो 3 एलिमेंट हैं उनकी तो वैल्यू है 2, 3, 1, और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वे 0 हैं, तो ये एक स्पार्स मैट्रिक होगी। अ स्पार्स मैट्रिक कैन बी डिफाइंड एज द मैट्रिक डैट हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ 0 एलिमेंट्स। अगर मैट्रिक में ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट 0 होते हैं तो उसको स्पार्स मैट्रिक बोलते हैं। स्पार्स का जो मीनिंग होता है वो होता है कम। लास्ट टॉपिक है हमारा जो कि है व्हाट इज़ ट्रायंगुलर मैट्रिक।
एग्ज़ाम में ट्रायंगुलर मैट्रिक की काफ़ी बार डेफिनेशन आती है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ज़रूर तैयार करना है। ट्रायंगुलर मैट्रिक क्या होती है? अ ट्रायंगुलर मैट्रिक इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक। द फर्स्ट टाइप इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक, द सेकेंड टाइप इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक है वो एक स्पेशल काइंड की स्क्वायर मैट्रिक है, जिसके दो पार्ट हैं। जो पहला है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक, सेकंड है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अब बात आती है एग्ज़ाम में ट्रायंगुलर मैट्रिक की भी डेफिनेशन आ सकती है, और इसके जो टाइप हैं इसकी भी डेफिनेशन एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो आपको एक कम्प्लीट टॉपिक कम्प्लीट डिटेल में लर्न करना है। सो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक इफ द ऑल एलिमेंट्स अबोव द मेन डायगोनल आर जीरो। देखो इसको हम एक एग्जांपल के उसमें समझेंगे, क्योंकि बिना एग्जांपल के आपके समझ में आएगा ही नहीं। ये हमारा एग्जांपल है। अब देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक है। एक स्क्वायर मैट्रिक कब होती है? जब रो एंड कॉलम दोनों इक्वल हैं तब एक स्क्वायर मैट्रिक होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे चार ही कॉलम है, यहाँ पे चार ही हमारे पास रो हैं, तो मैट्रिक क्या बना? 4x4 का हमारे पास एक मैट्रिक बना है। तो ये तो कन्फर्म हुआ कि हाँ ये एक स्क्वायर मैट्रिक है। डेफिनेशन क्या है? A square matrix is called lower triangular matrix if the all elements above the main diagonal are zero. देखो ये एक square matrix है, ये तो confirm हो गया है, क्योंकि row भी equal है और column भी, जितनी row है उतनी हमारे पास column है, ये confirm है कि एक square matrix है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक तब होगी जब डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वे ज़ीरो हैं तो वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक है। मेन डायगोनल क्या है? जहाँ पे मैंने सर्कल सा टाइप ड्रॉ करा है ना, यहाँ पे 1, 6, 2, 5 ये हमारा मेन डायगोनल होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेन डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं अगर वे ज़ीरो हैं तो तब होगी हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। ये एक मैट्रिक है, एक स्क्वायर मैट्रिक है। ये मेन डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट है वे सब ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक में मेन डायगोनल के ऊपर अगर एक भी एलिमेंट, सपोज़ यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पे सभी एलिमेंट ज़ीरो हैं, लेकिन अगर इस ज़ीरो के अलावा यहाँ 2, 3, 4, 6 भी हुआ ना, तो तभी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक नहीं होती, सभी एलिमेंट्स को ज़ीरो होना पड़ेगा। ओके, तो ये तो हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक इफ़ द ऑल एलिमेंट्स अबोव द मेन डायगोनल आर ज़ीरो। व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक? जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक के अपोजिट है। ओके, अ स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक इफ ऑल द एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। इसको भी एग्जांपल के उसमें ही समझेंगे। ये हमारी एक मैट्रिक है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक है, क्योंकि जितनी हमारे पास रो है उतनी हमारे पास कॉलम है, तो ये जो पेयर बना है ये बना है 3x3 का, कंफर्म है कि एक स्क्वायर मैट्रिक है। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा एक मेन डायगोनल है, स्क्वायर मैट्रिक है, ये हमारा मेन डायगोनल है। मेन डायगोनल के नीचे ये डायगोनल, ये इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं ये सब ज़ीरो हैं। मेन डायगोनल के नीचे अगर सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तब वो होगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक इफ द ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल आर ज़ीरो इज नोन एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक में क्या था? मेन डायगोनल के ऊपर अगर ज़ीरो है तो वो लोअर होगा, अगर मेन डायगोनल के नीचे
ज़ीरो हैं तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक होंगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक क्या होता है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक क्या होता है। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर चुकी हूँ, आप प्लीज़ वहाँ से उसको ले लेना। सबसे पहले अपना कंप्लीट सिलेबस रेडी करो, उसके बाद इनपुट एंड क्वेश्चंस एंड लास्ट में प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम पेपर्स अच्छे से तैयार कर लेते हो ना तो आपको आइडिया लग जाता है कि हमारा जो एग्ज़ाम पेपर है वो सेम ऐसा ही आएगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती है, इतना आप नर्वस नहीं रहते हैं कि हाँ एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आएगा या इजी आएगा। इसलिए कंप्लीट सिलेबस ही करना बेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन तो देखो कहीं से भी आ सकता है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा सकती हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर कि आप अपनी प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे हैं।